विदिशा की, जहां सिविल सर्जन के कुत्ते को सरकारी खाना खिलाने का मामला सामने आया है। सिविल सर्जन के कुत्ते के लिए सरकारी आवास पर अस्पताल से दूध और रोटी पहुंचती है। सिविल सर्जन डॉक्टर शिरीष रघुवंशी के आवास के वीडियो सामने आए हैं। वीडियो सामने आने के बाद सिविल सर्जन के खिलाफ नारेबाजी हुई और उन्हें बर्खास्त करने की मांग की गई। मामले पर बीजेपी विधायक मुकेश टंडन ने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है, कोई भी अधिकारी अगर ऐसा करे तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जन को बर्खास्त करो, मुर्दा। विदिशा के जिला अस्पताल के जो सिविल सर्जन है डॉक्टर शिशिर रघुवंशी, भ्रष्टाचार में आकूट डूबे हुए हैं और हद देखिए कि इनके जो बंगले पर कुत्ता पाला हुआ डॉक्टर शिशिर रघुवंशी ने, उस कुत्ते के लिए जो मरीजों का दूध मिलता है, मरीजों के लिए दूध दिया जाता है, रोटी दी जाती है, वो दूध और रोटी अपने कुत्ते को मिलाते हैं। देखिए, मेरे संज्ञान में अभी ये बात आई है, अगर ये ऐसा हो रहा है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये अगर कोई भी अधिकारी अपनी जिम्मेदारी को अगर इस प्रकार से लापरवाही के साथ अगर करता है तो उसको भी दंडात्मक कार्रवाई होना चाहिए, ये भी मैं बात कर रहा हूँ। दिनेश यादव हमारे सहयोगी हमारे साथ रायसेन से इसी खबर पर लाइव जुड़ रहे हैं। रुक करते हैं दिनेश का। दिनेश, ये तो चौंका देने वाला मामला है, गंभीर मामला है, जिस तरह से अस्पताल में मरीजों के लिए आने वाले दूध का इस्तेमाल यहां पर सिविल सर्जन अपने कुत्ते के खाने के लिए कर रहे हैं। निश्चित रूप से अपर्णा जी, बहुत ही बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है कि भी कई बार ऐसे मामले देखने मिलते हैं कि जो अधिकारी कर्मचारी होते हैं, शासकीय अधिकारी होते हैं, वो अपने पद का यहाँ पर दुरुपयोग करते हैं, लेकिन वीडियो सामने आने के बाद में ऐसे मामले जो उजागर होते हैं। ताज़ा मामला जो विदिशा का है, जहाँ पर सिविल सर्जन शिरीष रघुवंशी हैं, इनके निवास का है, जहाँ पर जो सरकारी खाना है, जो दूध के पैकेट हैं, रोटी हैं, वो यहाँ पर इनके निवास पे ले जाई जाती हैं। और ऐसा नहीं, चार चार दूध के पैकेट यहाँ पर देखने यहाँ पर विजुअल्स में देखे जा रहे हैं। उन्मूलन समिति के सदस्यों ने इस मामले को उजागर किया है। उनका कहना है कि हम पिछले चार महीने से यहाँ पर देख रहे थे कि दो कर्मचारी जो हैं सिविल सर्जन के निवास पर पहुँचते हैं और थैले में दूध के पैकेट और रोटी लेकर पहुँचते हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल कि जिस तरीके से यहाँ पर शासकीय मरीज अस्पतालों में देखने को मिलता है, कई मरीजों को यहाँ पर अवस्था मिलती है, खाना समय पर नहीं मिल पाता, मरीज यहाँ पर सरकारी अस्पताल परेशान देते होते हैं, लेकिन वहीं सिविल सर्जन के यहाँ पर कुत्ते को किस तरीके से यहाँ पर, क्योंकि हाल ही में अपना ही देखा है अपने दूध में काफी मामला सामने आया, कैसे खुला, कैसे मामला? वही मैंने आपको बताया कि उन्मूलन समिति के जो सदस्य हैं लगातार इस मामले पर नजर बनाए हुए थे। उनको जानकारी लगी थी कि सिविल सर्जन के सरकारी आवास पर जो है शासकीय जो खाना है, दूध के पैकेट रोटी पहुंच रही हैं, इसी को लेकर उन्होंने नजर बनाई हुई थी। और जब अचानक यहाँ पर कल जिस तरीके से यहाँ पर जो टीम के सदस्य यहाँ पर पहुँचते हैं और वीडियो बनाते हैं, तो वहाँ पर कर्मचारी में मौके पर हड़कंप मच जाता है। हालांकि सिविल सर्जन यहाँ पर निवास पर मौजूद नहीं थे, वहाँ कुछ कर्मचारी भी यहाँ से उनके निवास से यहाँ पर भागते दिखाई दिए। उनको लगा कि अब ये मामला उजागर हो चुका है, लेकिन अब इस मामले देखना है कि हमने यहाँ पर विधायक तो कह रहे हैं कि इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए, मैं पत्र लिखूंगा, और कलेक्टर बुद्धेश कुमार वैद्य से भी हमने रात में बात की थी और हम जोड़ना भी चाहेंगे, लाइनअप करना चाहेंगे, कलेक्टर इस मामले पर आए बोले। हालांकि जो CMHO हैं उनसे भी हमारे रात में बात हुई थी, तिवारी जी, उनका कहना है कि इस मामले की जानकारी मुझे मिली है, मैं सिरोंज में एक कार्यक्रम में था, दिखवाता हूँ उस मामले में क्या है। लेकिन बड़ा सवाल यही है जिस तरीके से पढ़ना कि इस तरीके से बड़े अधिकारी सिविल सर्जन जैसे जिला अस्पताल के बड़े अधिकारी इस तरीके की लापरवाही और मनमानी करेंगे, तो कहीं ना कहीं सवाल उठना सही है। अब देखना है कि मोहन सरकार इस मामले में क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि इस तरीके से लगातार मोहन सरकार, जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन बने, लगातार उन्होंने एक्शन देखा अधिकारियों के खिलाफ जो लापरवाही बरतती थी, लेकिन इस मामले में मोहन सरकार इन सिविल सर्जन पर क्या कार्रवाई करनी होगी, ये देखने वाली बात होगी। बहुत धन्यवाद दिनेश आपका इस पूरी बातचीत के लिए। पहाड़ से लेकर मैदान तक आसमानी आफत बरस रही है। भारी बारिश की वजह से कई राज्यों में हालात बिगड़ गए हैं। हिमाचल के मंडी में एक इमारत देखते ही देखते बह गई। नदी के तेज बहाव में पलक झपकते ही एक इमारत पहले तो धराशायी हो गई, फिर तेज बहाव में बह गई। तस्वीरें हिमाचल के मंडी की आप देख रहे हैं, किस तरह जो इमारत कुछ सेकंड पहले खड़ी थी, देखिए ढहती है और उसके बाद नदी के तेज बहाव में बह जाती है। बस कुछ सेकंड्स का खेल, ये देखिए। लगातार हो रही बारिश से नदियों में बाढ़ आ गई है। पहाड़ हो या मैदान हो, हर तरफ लोग इस आफत की बारिश से अब परेशान हैं। और देखिए किस तरह एक पूरी इमारत कुछ सेकंड में देखते ही देखते, देखिए जमींदोज होती है, उसके बाद नदी के बहाव में बह जाती है।
हिमाचल में बारिश का विस्फोट। कुल्लू में फटा बादल का, मंडी में तबाही। लहरों का कोहराम, हिमाचल में त्राही। आसमानी तबाही पहाड़ पर फिरा। बादलों की दहाड़, मुसीबत में पहाड़। कुदरत के शक्ति प्रदर्शन की ये वो तस्वीरें जिन्हें देखकर हर किसी का दिल दहल उठा। लहरों ने ऐसा कहर बरपाया कि देखते ही देखते एक विशाल काय इमारत इन लहरों में समा गई। ये मणिकर्ण की तस्वीरें जहां रोम के खड़े कर देने वाला ये व्यक्ति रिकॉर्ड किया गया है। देखिए कैसे मूसलाधार बारिश के बाद आए सैलाब ने इस इमारत को ले लिया। ये मंडी के ही पंडोह बाजार की तस्वीरें जहां ब्यास नदी का पानी लोगों के घरों तक शिकंजा कसने लगा है। आलम यह हो चुका है कि डरे सहमे लोग सुरक्षित ठिकानों को तलाश रहे हैं और प्रशासन की तरफ से लगातार लोगों को सावधान रहने की हिदायत दी जा रही है। सनसनाती लहरें जिस रास्ते से होकर गुजरी वहां एक झटके में सब कुछ तबाह हो गया। कुल्लू से आई ये तस्वीरें इस बात की गवाही देती है कि जब कुदरत कोहराम मचाती है तो सब कुछ अपने साथ ले जाती है। दावा किया जा रहा है कि सैलाब की जद में आकर कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं जबकि कई घर पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। सभी लोगों से निवेदन है, मलाना डैम फट चुका है, कृपया नदी नालों से दूर जाएं। मलाना के इस हाइड्रो प्रोजेक्ट को ही देख लीजिए जिसे रिवर बेड के रास्ते पर बनाया गया, लेकिन अब ये हाइड्रो प्रोजेक्ट कुदरत की पावर के आगे सरेंडर कर चुका है। खबर है कि पहले बादल फटा और फिर डैम की दीवारें जवाब दे गई, जिसका असर ये हुआ कि पल भर में सब कुछ सैलाब की लहरों में समा गया। बागी पुल से आई ये तस्वीरें भी देख लीजिए जहां प्रकृति ने ऐसा प्रहार किया कि दर्जनों गाड़ियां और घर अचानक आई बाढ़ की भेंट चढ़ गए। मनाली में ब्यास नदी ने रौद्र रूप धारण कर रखा है, जिसका असर ये हुआ कि नेशनल हाईवे 3 पूरी तरह से तबाह हो गया है। इतना ही नहीं, हिमाचल के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर, सोलन और ऊना में तबाही वाली बारिश का लगातार अलर्ट जारी है। यानी हिमाचल में आने वाले कुछ और घंटे भयानक तबाही की ओर इशारा कर रहे हैं। यही वजह है कि लगातार लोगों से यही अपील की जा रही है कि न तो नदियों के पास जाने की कोशिश करें और न ही ज़्यादा अपने घरों से निकलें। हरिद्वार से खबर है, यहां बारिश के बाद बरसाती नदी में पानी आ गया। सूखी नदी में खड़ा कांवड़ियों का एक ट्रक बह गया। ट्रक बहने से अफरा तफरी गरीबत रही, कोई कांवड़िया इसमें हताहत नहीं हुआ। खड़खड़ी के पास ये ट्रक फंस गया। करीब महीने भर पहले भी यहां पर ये वही जगह है जहां पर 9 गाड़ियां बह गई थी और आज एक ट्रक बह गया। देर शाम हुई भारी बारिश के बाद
नदी नाले उफान पर आ गए और उसके बाद ही ये तस्वीर भी देखने को मिली। मनाली में भी लगातार हो रही बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। व्यास नदी ने एक बार फिर रुद्र रूप धारण किया है। लगातार हो रही बारिश से नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया। नदी का पानी नेशनल हाईवे पर आ गया। हालात बिगड़ने की वजह से नेशनल हाईवे भी बंद कर दिया गया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में मलाड़ा नाले में बादल फटने की खबर है। मलाड़ा पावर प्रोजेक्ट में तबाह हो गया डैम, फटने की भी सूचना है। कुल्लू के बलादी में स्कूल और घर बह गए। बादल फटने से आए सैलाब में 7 लोग बह गए। केदारनाथ के भीमबली में बादल फटने से भीषण तबाही मची हुई है। बादल फटने के बाद केदारनाथ यात्रा को स्थगित कर दिया गया। भीमबली में कई लोग फंस गए। केदारनाथ पैदल मार्ग और भीमबली में 2 पुल बह गए। सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच मार्ग का कुछ हिस्सा भी बह गया। भारी बारिश के चलते मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ गया है और सोनप्रयाग पार्किंग तक नदी का पानी पहुंच गया। वहीं कुंड को बंद कर दिया गया। इसके साथ ही रामबाड़ा में भी नुकसान की खबर है। प्रशासन की टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी थी। केदारनाथ के भीमबली में बादल फटने से भीषण तबाही मची है। बादल फटने के बाद केदारनाथ यात्रा को स्थगित कर दिया गया। भीमबली में कई लोग फंस गए हैं जिनका रेस्क्यू किया जा रहा है। लिंग चोरी में फंसे लोगों का रेस्क्यू हेलीकॉप्टर से किया जा रहा है तो वहीं कई यात्रियों का वैकल्पिक रास्तों से रेस्क्यू एसडीआरएफ की टीम कर रही है। जैसे आपको बताया प्रायोरिटी लोगों को सकुशल निकालने की है। हम नहीं चाहते कोई भी ह्यूमन लाइफ का लॉस हो या हमारे किसी जानवर का नुकसान हो, तो हम फर्स्ट प्रायोरिटी हेलीकॉप्टर रेस्क्यू और लोगों को वहां से निकालने का है, जो कि ऑलरेडी चल रहा है। 100 लोग सकुशल जैसे मैंने आपको बताया निकल चुके हैं। टोटल में 500 से 600 लोग उस ट्रैक रूट पे खबर है कि अलग अलग जगह पर फंसे हुए थे। उसके बाद सेकेंड प्रायोरिटी हमारी ट्रैक रूट को वापस दुरुस्त करके चलाना हो ताकि जो यात्रा सीजन है उसमें लोगों को कोई कठिनाई ना हो। अब बात वायनाड में विनाश लीला की बात कर लेते हैं। केरल में आई तबाही में मरने वालों की संख्या 276 हो गई है जबकि 200 से ज्यादा लोग लापता हैं। आपदा में गांव के गांव बह गए। सेना और एनडीआरएफ की टीम राहत बचाव में जुटी हुई है। अब तक करीब 1000 लोगों को सेना ने रेस्क्यू किया है। कितने दिन तक चल सकता है 2 से 3 दिन तो चलेगा। जो तस्वीरें सामने आई हैं वो वायनाड में हुई तबाही का मंजर बताने के लिए काफी हैं। सोमवार और मंगलवार की रात वायनाड में बारिश कहर बनकर टूटी। रात 1 बजे से 5 बजे के बीच 3 बार लैंडस्लाइड की घटना हुई जिसमें पहाड़ के नीचे चेलियार नदी के किनारे बसे गांवों में तबाही आ गई। सैलाब के साथ पहाड़ों से आए मलबे और बड़े बड़े पत्थरों ने खूबसूरत वायनाड को उजाड़ कर रख दिया। पूरे इलाके को मलबे का ढेर बना दिया जहां अब जगह जगह सिर्फ लाशों का अंबार दिखाई दे रहा है। चीख पुकार के बीच रेस्क्यू टीमें लोगों की तलाश कर रही हैं। कुदरत के कहर ने वायनाड के 4 गांव मुंडक्कई, चुरलमला, अट्टामला और नूलपुड़ा का नामो निशान मिटा दिया और सिर्फ 4 घंटों में 22,000 की आबादी वाले चारों गांव तबाह हो गए।
मलबे की चपेट में गांव के गांव आ गए। कुछ ही देर में सैकड़ों घर मलबे का ढेर बन गए। तबाही का मंजर वहां से सामने आई तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं, जहां सिर्फ चंद मकान दिखाई दे रहे हैं, बाकी सब पहाड़ों से आया सैलाब अपने साथ बहा ले गया। लैंडस्लाइड के बाद तबाह हो चुके इन गांवों में बचाव अभियान शुरू किया गया। NDRF, SDRF और दूसरी एजेंसियों के साथ सेना के जवान भी लापता लोगों को ढूंढने और मलबे में फंसे लोगों को निकालने में लगे हैं। लगातार दूसरे दिन भी राहत बचाव की कई टीमें सैलाब में बहे लोगों की तलाश करती रहीं। जगह लैंडस्लाइड हुआ और पहाड़ों से आया सैलाब चार गांवों को बहा ले गया। इलाके में चारों तरफ फैले मलबे को रेस्क्यू टीमें निकाल रही हैं और इस दौरान कीचड़ में या पत्थर के नीचे दबे लोगों के शव मिल रहे हैं। रेस्क्यू टीमों ने कुछ शव नदी से भी बाहर निकाले हैं। जहां बचाव दल के लोग पैदल नहीं पहुंच सके, वहां रस्सी और तारों के जरिए पहुंचने की कोशिश की गई, ताकि किसी भी हाल में उन लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके। इसके लिए बचाव अभियान में जुटे जवानों ने नदी के ऊपर बांस की मदद से एक पुल बनाया और उस पर रस्सी बांधकर लोगों के चलने लायक बनाया। फिर इसी काम चलाऊ पुल की मदद से उफनती नदी के उस पार फंसे लोगों का सेना के जवानों ने जान हथेली पर लेकर रेस्क्यू किया। बचाव अभियान में जुटे अधिकारियों ने रेस्क्यू पूरा होने में कई दिन का समय लगने का दावा किया। उस साइड में अप्रोचिंग अच्छा है, बस क्रॉस करने का दिक्कत है। कल शाम में उधर फूड वगैरह चला गया। उस साइड में एक रिसोर्ट है और एक मस्जिद है जिसमें कुछ लोगों को शेल्टर किया गया। सर अभी भी कहा जा रहा है कि ये डेंजर जोन में है एरिया, कभी भी कुछ भी हो सकता है उधर। ऑफकोर्स चूंकि रेनफॉल अलर्ट्स है तो बारिश अभी चल हो रही है, बारिश का इंटेंसिटी हाई होगा तो डेंजर हो सकता है, वाटर करंट बढ़ जाएगा, वाटर का कैपेसिटी बढ़ेगा तो चांसेस आ रही है, बिकॉज स्टिल इट इज इन रेड। अभी कितने दिन तक चल सकता है सर रेस्क्यू इसके बाद? आपके आपके ये नहीं कह सकते हैं, बट 2 से 3 दिन तो चलेगा। बचाव काम में जुटी टीमों के सामने परेशानी ये भी है कि वायनाड के जिस इलाके में कुदरत का कहर टूटा, वहाँ मौसम विभाग ने बारिश का रेड अलर्ट जारी किया हुआ है, यानी वहाँ कभी भी भारी बारिश हो सकती है। इसलिए रेस्क्यू का काम जल्द से जल्द पूरा करने की चुनौती लगातार बनी हुई है। MP और छत्तीसगढ़ में बारिश में नदियां और डैम में जलस्तर बढ़ने के बाद पर्यटक पिकनिक के लिए पहुंच रहे हैं, जान की परवाह किए बिना डैम में मौत की छलांग लगा रहे हैं। बिलासपुर से लापरवाही का एक ऐसा ही वीडियो आया है जिसे देखकर आप सहम उठेंगे। तो वहीं ग्वालियर से पिकनिक मनाने गए दोस्तों की मस्ती भारी पड़ गई और वो काल के गाल में समा गए। न जान की परवाह, न जिंदगी से कोई माया, मस्ती के आगे मौत को गले लगाया। तस्वीरें ऐसी कि एक बार आप भी देखकर दंग रह जाएंगे। कर्तव्य ऐसी कि जिसे कमजोर दिल वाले करने की तो दूर, इसे करते हुए देख भी लें तो मौत पक्की है। लापरवाही का ये वीडियो बिलासपुर से सामने आया है, जिसमें लोग मौत के मुंह में कूदते हुए दिखे। बेतहाशा गर्मी के बीच पर्यटक रतनपुर के खूंटा घाट बांध पिकनिक मनाने पहुंचे थे। इस दौरान वे जान जोखिम में डालकर बांध में कूदते नजर आए। भारी बारिश से वेस्ट वेयर भी भर गया और पानी तेजी से बह रहा है। ऐसे में इस तेज धार पानी में इस तरह कूदना मौत को गले लगाने के जैसा है। वेस्ट वेयर में पहले भी कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन प्रशासन ने ना सुरक्षा के इंतजाम किए और ना यहां सुरक्षा के नाम पर पुलिस बल है। अभी लगातार बारिश हो रही है बिलासपुर जिले में, जिससे कि नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है। इस समय कुछ जो है स्थान पे पुल पुलिया भी भर गए हैं, जिसमें ओवरफ्लो हो रहा है। पुलिस ने उसमें कुछ जगह सुरक्षा के इंतजाम भी लगाए हैं, स्टॉपर वगैरह से आवाजाही पर रोक लगाई गई है, लेकिन फिर भी कई लोग जो है इसमें जो है उत्साह में आकर के या ज्यादा पानी को देख करके वहां पे
क्रॉस करने की कोशिश करते हैं या वहां नहाने की कोशिश करते हैं, जो कि निश्चित रूप से उनके जान के लिए खतरा है। अगर ऐसा कहीं पाया जाता है तो लोगों पर हम कड़ी कार्रवाई भी करेंगे। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में ही नहीं बल्कि एमपी के ग्वालियर में भी पर्यटक पिकनिक मनाने के लिए डैम पर पहुंच रहे हैं और मौत से मस्ती कर रहे हैं। लेकिन यहाँ ये मौज भारी पड़ी। तिघरा बांध में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक अपने मौसेरे भाई और दो दोस्तों के साथ रिमझिम बारिश होने पर पिकनिक मनाने तिघरा गया था। दोस्त पार्टी मनाने लगे तभी युवक नहाने के लिए उतर गया। वहीं दोस्तों के सामने वो डूबता रहा, जबकि दोस्त समझते रहे कि वो नाटक कर रहा है। जब घटना का एहसास हुआ तो उसे बचाने के लिए तिघरा जलाशय में कूदे, लेकिन उसे बचा नहीं पाए। हाल ही में तिघरा थाना अंतर्गत जो तिघरा डैम है उसमें एक युवक उस ग्रुप के साथ में पिकनिक मनाने और नहाने के लिए गए थे, जिसमें एक जो जीतू कोरी नाम के व्यक्ति है उसकी डूबने से मृत्यु हो गई है। पिछले कुछ दिनों से कई घटनाएं सामने आ रही हैं। पुलिस प्रशासन की तरफ से बार बार आगाह किया जा रहा है। जोखिम भरी जगहों पर पिकनिक मनाने नहीं पहुंचे, लेकिन पर्यटक समझने को तैयार नहीं है। खामियाजा मौत को गले लगाना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और आई